Hello G, welcome to my second vlog of the series. Right now I'm in Kamuli. Kamuli is located in the eastern region of Uganda, and the sub region is Bulapa, I guess. Maine Google kiya hua tha. So I'm going to explore today Kamuli. So mujhse jitna ban paye main utna dikhaunga, thoda bahut क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ कुछ जगह में देखूँ और साथ ही साथ आपको भी दिखाऊँ. अगर आपको देखना है तो मेरे साथ रहें, नहीं तो फिर आप कुछ और देख लें. हे ब्रदर, हाउ आर यू? ऑल ओके? व्हाट यू डूइंग? हेलीकॉप्टर. यू आर मेकिंग हेलीकॉप्टर? Okay. Are you sure? What is your name? Sam Latif. Huh? Sam Latif. Sam Latif? Yes. Yeah. उमेर नजमी फरमाते हैं, मैं हूँ तुम हो, मैं हूँ तुम हो, बेलें पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है. तो मैं जहाँ चल रहा हूँ वहाँ पर एक तरफ पूरा जंगल ही जंगल है, दूसरी तरफ फसलें हैं काफ़ी अच्छी. अम्मार इकबाल फरमाते हैं, खुद ही जाने लगे थे और खुद ही रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं, पर गजीदा बुजुर्ग नीम के पेड़ थक चुके हैं, थक गए हैं मगर खड़े हुए हैं. तो मैं खुद भी टहलते टहलते यहाँ पर मुझे साया मिला अच्छा सा, तो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ताकि थोड़ा सा रेस्ट लूँ. But it can be dangerous to walk like this in Africa, especially in Uganda, because people don't like muindis. Muindis bole to jo yahan par Indians hain unko log bilkul bhi pasand nahi karte. Uski wajuhat hai, wajuhat ye hain ki wajuhat fir kabhi batayenge detail mein, kyunki pehle yahan par jo Indians hain unhone उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया है, तो जिसकी वजह से लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते. और हमारी शक्ल चूँकि इंडियंस से मिलती जुलती है तो हमें भी इंडियन समझते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात होती हैं. तो मैंने, खैर कमुली के लोग अच्छे हैं, मैंने यहाँ पर पूछा था जितने एशियंस हैं उनसे, पहले कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है, तभी मैं यहाँ पर टहलने निकल गया. और जगह तो बहुत खूबसूरत है, मैं जितना दिखा पाऊँ उतना दिखाऊँगा. अभी कमुली टाउन इज़ वेरी नियर, सो आई एम गोइंग देयर, और मैं वहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, तो आई शो यू. अगर मुमकिन हुआ तो आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगा, नहीं तो हम कुछ देर में अपना व्लॉग एंड करेंगे.
हाँ जी, तो आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। मेरे पीछे बहुत ही कोई खूबसूरत जो है सनसेट हुआ है। तो फरहत बादशाह का मुझे एक शेर भी आता है इससे कि वो कहते हैं, तू है सूरज तुझे क्या मालूम रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। तो शाम का मंज़र है, तो मैं ज़रा ये मंज़र इंजॉय करूँ। तो फिर कभी किसी व्लॉग में अगर दिल चाहा तो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ अफ्रीका को और युगांडा को, यानी हम यूँ ही एक्सप्लोर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सप्लोर करें। तो थैंक यू सो मच। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, और वो क्या होता है सब्सक्राइब भी कर दें, आपकी मर्ज़ी है करें ना करें। तो थैंक यू।